नमस्कार साथियों, मैं विकार जाट शामली से। भाई जैसा कि आप जानते हैं, आज 20 तारीख थी, डेट लगी हुई थी अपनी। पूरा दिन जो है कोर्ट में रहे, चैम्बर में वकील साहब के, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है बहस हुई। बहस में हमारी तरफ से जो है ARO दानिश जुबेर जी थे, और दो तीन और थे एडवोकेट, और हमारे सीनियर वकील, जिनके भी यहाँ पे ये ऑर्डर हुआ। जजमेंट देख सकते हो, मनीष कुमार का ऑर्डर, मनीष को कुमार के ऑर्डर, सरदार मनिंदर सिंह जो सीनियर एडवोकेट, जो सोलिटर जनरल रह चुके पूर्व, उसी मनीष कुमार के ऑर्डर के ब्याप पे, उन्हीं की बहस की वजह से हुआ। कारण सबसे पहले जो है 25-30 मिनट जो है 2015 भर्ती के वो थे, मतलब वीर बहादुर, उन्हीं की तरफ से मतलब वकील हायर थे, कोई नितेश गुप्ता निदेश, उन्होंने बहस करी काफ़ी देर, 25-30 मिनट तक बहस करी, लेकिन जज साहब एग्री नहीं हुए। उसके बाद उनकी एक और वकील थी, वे भी बहस करी, लेकिन एग्री नहीं हुए। सब ख़त्म, हमें भी 1% दिख रहा है भाई, आज शायद ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि जज साहब एग्री थे। उसके बाद जो हमारे ब्रह्मास्त्र थे, तो हमने, हमारे सरदार जी जो है आए, अपना बहस करना स्टार्ट, जजमेंट बताई, फंडामेंटल राइट बताया कि क्यों ये हमें दिक्कत है, जिससे 5-6 मिनट बहस हुई। और उसके बाद फिर मतलब मिश्रा जी के, अजय मिश्रा का वकील थे जो रंजीत कुमार, वे 2-3 मिनट उन्होंने भी, और वही जजमेंट जो हमारे मनिंदर सिंह जी ने, वही आर्गूमेंट उन सेम उन्होंने करिए, रंजीत कुमार जी ने, सीनियर वकील है वो भी भाई, अटॉर्नी जनरल है, ऐसा तो है नहीं। बस मेरे वकील की 5 मिनट और उनके वकील की जो है 3 3 मिनट, उसकी वजह से नोटिस इशू हुआ। बाकी सिद्धार्थ लूथरा जी, उन्होंने भी 1-2 मिनट, लेकिन सिद्धार्थ लूथरा की जरूरत पड़ी नहीं, सच्चाई तो है, लेकिन वैसे उन्होंने भी 1-2 मिनट ही करी, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो आर्गूमेंट हुए वो मेरे जो वकील है मनिंदर सिंह, मेरे पास सबूत है, अगर कोई सबूत मांगता हो सबूत भी दे देंगे, पूरी रिकॉर्डिंग है, कि ऐसा नहीं, मैं कोई फर्जी, आज तक हमने कोई फर्जी नहीं बोली। अब कोई कुछ भी कहो कि मेरे वकील तो होगा, मेरे वकील तो है, वो तो अजीत यादव का वकील ही था कोई, कल तक कहते वो उतार दे सीनियर वकील, अब देखो कितना अच्छा काम किया उन्होंने। खैर इसके बारे में बाद में चर्चा करूँगा, फिलहाल अपने केस के बारे में चर्चा करूँगा। तो जो है नतीजा ये निकला कि भाई मैं पिछले 4 दिन से, 4 दिन से तो दिल्ली में ही था, उससे पहले भी काफ़ी टाइम से इस केस में लगा हुआ था, जिसका जो है मुझे आज जो मान लो एक हिस्सा मिल चुका। मेरा मेन मकसद था, मैंने कल ही बताया नोटिस होगा तो होगा, क्योंकि हम सब की जितने भी मेरे साथ भर्ती गए हैं, 400-450 लड़के हैं भाई, इनका भी मेरा, मेरे पास पूरा सहयोग इन लड़कों ने दिया मेरा, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने मेरे पर विश्वास जताया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा आभारी रहूँगा, जब तक भी खैर जीवन है साथ में रहेंगे, अब तो ये तो ऐसा हिस्सा बन चुके जीवन का। तो बहस होने के बाद खैर मनीष कुमार का जजमेंट है, जो ऑर्डर ग्रुप में डाल भी दिया, हिंदी में भी डाल दिया, आप लोग पढ़ भी सको, उसी के भी आप पे सारी जानकारी जो है मांगी गई कि भाई कितने सीटें क्या है, क्यों मतलब आर्गुमेंट, क्योंकि उसी के भी आप पे हमारी 2015, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, 2015 भर्ती, 2018 एड, 18 भी उसी मनीष कुमार के जजमेंट के हिसाब से निकली। अब जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि भाई तुम हर साल इतनी, और गृह सचिव के उस टाइम देवाशीष पांडे थे, उन्होंने खुद लिखित में दिया था कि हाँ ठीक है मैं जिम्मेदार हूँ अगर ये वैकेंसी नहीं फिल करते, इन्होंने 1.5 लाख की वैकेंसी फिल करने के बोला था, लेकिन इन्होंने 1.5 लाख, आप खुद ही सोच लो कितनी वैकेंसी। तो इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की अवज्ञा का मतलब जो है इन पालन नहीं किया, सीधी बात यह है, तो यार गजब की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का तो खैर कोई नहीं करता ऐसा, और ये कर रहे सीधा अनुपालन ही नहीं कर रहे। तो उसके बाद अब देखो 18 नवंबर डेट लगी हुई है, ऊपर वाले ने चाहा 18 नवंबर में भी काफ़ी अच्छा कुछ होगा। और अब मैं आपको बता दूँ, अब की बार मेरी तरफ से एक सीनियर बोलते हैं मनिंदर सिंह, अब की बार मेरी तरफ से कम 2 से 3 अधिवक्ता रहेंगे। मैं आपको पहले बता दूँ भाई, जो सेकंड SLP वाले लड़के हैं वो अपने पैसे तैयार रखे, अभी फर्स्ट जैसे मैंने अभी सेकंड SLP वालों से कोई पैसा नहीं लिया था, उनकी पहली जो 20 याची है बस वही लिया, जो मेरे ARO की फीस है, बाकी और कुछ नहीं। अब मेरे जो दूसरे सेकंड SLP वाले लड़के हैं, अब वो फीस देंगे, बाकी जिस भाई को अगर याची बनना हो तीसरे SLP डाल लूँगा, लड़के जुड़ भी चुके कितनी, और जो है फीस दे सकता है, फीस और डॉक्यूमेंट्स मेरे नंबर पर। अब भाई बात मुद्दे की है
कि भाई 41,520 में दो टीम है, एक विपुल मलिक की है, एक दलालू की है। अब दलालू ने हाई कोर्ट में देखो स्पेशल अपील का जो पैसा आया था खागे थे। हमने काफ़ी कुछ बता दी बात, लेकिन पता नहीं लड़के कैसे हो रहे उस भर्ती के कि समझ नहीं पाए। मेरी भर्ती का एक लड़का समझता है, हमने प्रूफ डाल दिया आज। हमने क्या कहा था आप लोगों को पहले कि भाई अजीत दलाल करा करा के भाग गया, कोई सीनियर वकील नहीं जाने का। हमें बोल रहा था एक पंक्ति के, मतलब एक पंक्ति के, हमने देख लो एक पंक्ति के ना खड़े करे वो वकील। तो भाई ये दलाल थे, ये रिट कनेक्ट करा के ही जाएंगे, और कुछ नहीं। इसके साथ एक दो और चमचे चमाटे लग रही है, कुछ नहीं, पैसा कमा लिया इन्होंने। आज देखो अगर 300 2,000 पर लड़का ले रहे, 6,50,000-60,000 रुपये उसे दे दिए, 20-30-50,000 अपने 5-6 लाख रुपये का आदमी होगा। तो हम यहाँ पिछले 4 दिन से, तुम 8 दिन से, 10 दिन से पैसे इकट्ठे करे सब बच्चों से, और तब हमने एक अच्छा वकील अधिवक्ता जिसे कहते हैं टॉप मोस्ट। मैं तो यार बार बार एक ही बात कह रहा, ऑर्डर पड़ा आज का, उसमें पढ़ लो मनीष कुमार का ऑर्डर किसने कराया था, कौन था वो सोलिटर जनरल उस टाइम, मनिंदर सिंह, कल भी डाल रहा था वो, आज फिर डाल दूंगा कहते हो, ऑर्डर पढ़ लो 183/2013। तो भाई इसलिए ये चेहरा जो चुना गया था, इसलिए चुना गया था, कोई वो नहीं थे, ये बहुत दिमाग मेरा और मेरे वकील का इतना दिमाग पता। कल पूरा दिन भर हम वकील मैं वकील के साथ रहा, कल भी परसों भी तरसों भी, और शाम के टाइम 1 घंटा 5 बजे हो गए, ईद थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा समय जो है मुझे दिया था अपना कल। और 5 बजे गए, 5 से 6 बजे फिर वापस आए, फिर वकीलों के पास फिर गए, सुबह फिर जल्दी आ गए थे, मतलब बहुत जल्द। रात की मैंने डाली भी थी वीडियो भी कि हमें क्या टाइम होगा था कोर्ट में, 9:30 बज गए थे, ताला लग गया था चैम्बर का, सब वही नहीं था चैम्बर में। ये दिन रात की खैर मेहनत तपस्या मान लो, कुछ भी मान लो यार, लेकिन आज ठीक रहा कुल मिला के। नोटिस इशू होना था, वो हो चुका। अब जो है हमारी लड़ाई, देखो मैं तो आज सच में बता रहा हूँ, अगर सब लोग साथ देंगे चाहे कैसे भी दे, भाई देख मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम कहीं कोचिंग भी करने जाओ 5,000 रुपये खर्च करोगे, सब लोग अगर साथ दोगे ना, तो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे तन पर वृद्धि होगी, याद रखना मेरी बात। आज तुम्हें ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं। अरे रही बात लीडिंग की, लीडिंग कोई कुछ नहीं है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका पक्ष सुना जाता है। आज देख भी लिया होगा जब 2015 उसका, मतलब वीर बादवाड़ी रिट का नहीं, कुछ वकील नहीं हुए तो हमारे वकीलों ने, लेकिन बाद में जो है 2 मिनट अजय मिश्रा के वकील ने दो आर्गूमेंट, वही सेम आर्गूमेंट कर दिए मेरे वाले वकील की, तो जज साहब ने जो है नोटिस इशू जारी कर दिया। ये बहुत बड़ी बात बैठती है हाई कोर्ट की, जो फाइनल बहस उससे भी ज़बरदस्त सीन है ये, मैं तुम्हें बता दूँ जीवन का। जैसे इस सुप्रीम कोर्ट की बात होती है कि पहली और आखिरी डेट वो होती है कि मुझे नहीं लगता धरती पर उससे बड़ा कुछ होता होगा किसी के जीवन में, क्योंकि ये जीवन की आज देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में यू ललित ने यू पैसे ही एज वाला केस खारिज कर दिया पहली डेट पे ही। तो ये चीज़ ऐसी होती है, एक्सेप्ट भी नहीं करा, लेकिन हमारा केस ये है कि एक्सेप्ट होगा कहीं ना कहीं। और भाई अब की बार कम से कम मैं 2-3 वकील उतारा हूँ, मैंने साफ कह दिया, चाहे कैसे भी। देखो मैंने अब भी करा, अब भी मुझे ज़्यादा लड़कों ने फीस नहीं दी, मैं तुम्हें बता दूँ दूसरी, लेकिन कोई बात नहीं यार, लेकिन मैं अब साफ बता रहा भाई, अब फीस देनी पड़ेगी आप लोगों को पहली जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी मैंने ली। और एक बात और बता दूँ दोस्त, मैं वो आदमी हूँ, अगर हम पीछे हट जाते, मैं अपनी वो नहीं कर रहा या जाति का वो कर रहा कुछ, भाई हमें जाट जिसके पीछे लग जाना उसकी खड़ी कर देंगे खाट, हम सीधी बता दें, आर पार की जंग है, हमने जो है कह दिया तो कह दिया एक बार, बस वक्त पत्थर की लकीर मान लिए, और हमने कह दिया था देख हाई कोर्ट में इन्होंने हरवा दिया, मैं जीत दलालू ने, हम हटे नहीं किसी बात से, कोई पीछे भी ना, हम डरते किसी के बाप से भी, सीधी बात है, इन्होंने हरा दिया कोई बात नहीं, हम चुपचाप ये हाई कोर्ट यहाँ सुप्रीम कोर्ट में या पैसा कमा रहे कोई बात नहीं, जो इनके चमचे चमाटे भाई इन्हें दे दो, अपना घर बेच के जो है इन्हें दे दो, हमें कोई समस्या नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार स्वयं होंगे, ये तुम्हें आज ही बना सके, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और भाई देख अपने दिमाग में से निकाल दो, देख वह चीज़ है हम कि जिसके पीछे पड़ जाना पड़ गए, हमने उस दिन जो है सोच लिया था कि अब जिम्मेदारी ली, तो इस जिम्मेदारी को जब तक आखिरी सांस तक, जब तक इन सब लड़कों के तन पर वर्दी देनी, तब तक हम छोड़ने के नहीं पीछा, ना तो अजीत दलाल तेरा और ना जो है सुप्रीम कोर्ट का और ना किसी का, सीधी बता रही, तो जा नौकरी लेकर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जो दलाल है ये किसके भरोसे गए थे, कल ये गोपाल शंकर नारायण किसी वकील का, सीनियर वकील का नाम ले रहे थे पैसे के रहे, इतने में पहले पीएस पट वाले बता रहे थे, उससे पहले तो हरीश साल भी बता रहे थे, ये
ये 2,000 रुपये नुक हम 2,000 में बड़े बड़े अधिवक्ता कर देंगे भाई। अब तो देख लियो इनकी सच्चाई आप लोगों ने, ये कितने बड़े अधिवक्ता करेंगे क्या करेंगे। गाड़ी तो मैं खैर देता नहीं क्योंकि वही बात है, अब गाड़ी देकर क्या करूँगा क्योंकि ऑडियो सब सुनेंगे भाई लड़की। मैं तो चाहूँ इसकी सच्चाई यार, इसके माँ बाप को भी इसकी सच्चाई पता लग जा जिन्होंने इसे जन्म दिया। ये तो उनका भी नाम गंदा कर रहा। सच्चाई यार, इसे शर्म नहीं आई 5,000 इसकी भर्ती के, 5-8-10 हज़ार मेरी भर्ती के, 2-3 हज़ार मिश्रा की, तो उन सब का भविष्य चौपट करने के लिए। अगर सपोज करो कुछ ऊंच नीच हो जाती तो बस ख़त्म था खेल। इसने पैसे किस बात के लिए, 300-350 लड़के इसके पास, और 300-350 लड़के यूँ देख लो अगर 2,000 भी लिए, 7 लाख रुपये बैठ गए यार, कहाँ गया इसका पैसा। यार हो तो 50-60-70 हज़ार रुपये की यार हो है पति गति वति। अरे अभी तो आई इसी, अब चैम्बर ही बनने लग रहा था, मैं मिल आया था उससे बहुत टाइम पहले, हमने तो रिजेक्ट कर दी थी वो हमें कर उसके। और भाई इसके पास सबूत हो कि मेरा सीनियर था तो दिखा दो, ऑर्डर में नहीं है इसके सीनियर का नाम, कहीं भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रतीक द्विवेदी थी। तो यानी कि ये लोग भाई आपकी ज़िंदगी बर्बाद, ये नौकरी मिल चुकी, सच्चाई है, इस अजीत यादव दलाल को नौकरी मिल चुकी, और कुछ नहीं है, ये पैसा कमाना रहा राजनीति और कुछ नहीं। अब जो इसके जो है देख लो, कुछ मेरे बारे में विरोध कर रहे थे कि भाई नोटिस कुछ नहीं होता, अब तो पता लग गया हो नोटिस क्या हो। एक लड़का था लखनऊ का दलाल ही है, वो हमारी भर्ती का 49 का, इन दलालों से दूर रहो, नाम तो लेता नहीं क्योंकि नाम लेकर तो इन कमीनों को और लाइट करना है, हाईलाइट हाईलाइट में करने का नहीं इन कमीनों को। अजीत दलाल तो खैर मशहूर है, उसका तो खानदान ही ऐसा है, हाईलाइट उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। तो भाई ये जो लोग हैं ये तुम्हें बरगलाऊंगे और कुछ नहीं करने के, ये तुम्हारा भविष्य चौपट करेंगे, खुद का तो इनका है ही। ये क्या करेंगे आपको, वो ना करो ये ना करो, हमें कह रहे थे ये पंक्ति खड़े कर दिए, नोटिस करा दिया, कल ही कह देता मैंने अपने ग्रुपों में नोटिस होगा। अब मैं तुम्हें बता दूँ, अब भाई 18 तारीख के लिए कमर कस लो सभी लोग, मेरे 49-568 भर्ती के स्पेशल, और भाई मैं 41-42 भी अनुरोध करूँगा, इतना ही कहूँगा हाथ जोड़ के कि भाई विपुल मलिक का साथ दो, फ़ायदा इसी में है, नहीं तो तुम तो 2 साल तुम्हें हाई कोर्ट में होगे बर्बाद, यहाँ भी तुम बर्बाद ही होगे, कुछ नहीं होने का मैं तुम्हें बता दूँ। अब रही बात कि लीडिंग किसका लीडिंग, भाई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ सुनवाई सबकी साथ ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब नो तो अजय मिश्रा की भी मेरे में कनेक्ट है, विपुल मलिक की मेरे में कनेक्ट है, अजीत दलाल की मेरे में कनेक्ट है, सबकी मेरे में कनेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विश्वास जो है तुमने जैसे बना रखा, मैं थारा विश्वास नहीं तोड़ने का, रही बात इसकी, जो भी यहाँ 50-60 लड़के आए थे काफ़ी, ऐसा तो है नहीं। तो भाई अब जो है अपना जिनके फर्स्ट एचएलपी के जो भी रह रही फीस वगैरह वो भी अपना सेंड करना, यही चाहता हूँ, सबसे यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बाकी देखो क्या देता है भर्ती बोर्ड, तो वही देगा अपना नियम, मैं तुम्हें अभी बता दूँ कि हमारा नियम था ये था बस, कि हम उसके बाद देखते हैं क्या होता है, जैसे आप क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन ये है कि भाई यहाँ सीनियर वकील खड़े करने पड़ेंगे, बिना काम नहीं चलने का। शुक्र मानो मिश्रा जी ने भी वकील अच्छा खड़ा कर रखा था, और मैंने अच्छा वकील खड़ा कर रखा था, विपुल ने, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, हम 3 लोगों के वकील थे जिनकी फीस भी आप लोगों को पता कितनी है, ये टॉप मोस्ट वकील थे तीनों, बाकी और का तो मुझे पता नहीं खैर क्या था क्या नहीं, वो तो सबको पता, वहाँ सबकी औकात दिखा देती जैसे आपने 2 मिनट में। और भाई अपना यही कहना चाह रहा कि जिस भाई को अगर याची बनना चाहता हो वो याची बन सकता है, और इन दलालों से दूर रहो, बस इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।